नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी नमचिम। दोस्तों, आप सभी के चाहते सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का गाना आने वाला है। आप सभी के बीच बहुत ही बड़ा धमाका होने वाला है और वो धमाका किसी और कंपनी के साथ नहीं बल्कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के साथ होने वाला है। जी हाँ, गाने का नाम है बम बम लगातार। ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से विवाद है और विवादों के बीच ये गाने का अपडेट आप सभी को हिला कर रख देने वाला है। जी हाँ, बात करें तो गाना का नाम बम बम लगातार जो है गाने का नाम है और इस गाने में खेसारी लाल यादव के साथ खुशी कक्कर ने गाया है। इंटरेस्टिंग दिलचस्प बात यह है कि ये जो गाना है वो अखिलेश कश्यप के द्वारा लिखा गया है और इस गाने के म्यूजिक डायरेक्टर जो हैं वो आर्या शर्मा है। तो बम बम लगातार जो गाना है कल सुबह रिलीज़ किया जाएगा 19 तारीख को ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिएगा, काफ़ी कमाल का गाना होने वाला है। मैं थोड़ा बाहर हूँ, होटल में हूँ, थोड़ा कुछ काम था तो आया हुआ था, तो मैं सोचा कि आप सभी को दे देता हूँ। रक्षा गुप्ता इस गाने में नज़र आने वाले हैं। मसाला कमाल का गाना होने वाला है। बम लगातार कुछ ऐसे जो गाना था उसी गाने पे है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से है, तो भाई फिर तो गर्दा होना ही है। तो आप लोग तैयार रहिएगा कल सुबह ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर खेसारी लाल यादव और खुशी कक्कर की आवाज़ में। अखिलेश कश्यप ने लिखा है, आर्या शर्मा ने इस गाने का म्यूजिक डायरेक्टर दिया है और रक्षा गुप्ता इस गाने में नजर आए हैं। तो एक अपडेट था। बाकी आप लोग इस गाने को लेकर कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।